हेलो फ्रेंड्स, 123 प्रोजेक्ट्स की ओर से एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, स्मार्ट डस्टबिन। पर यहाँ पर इस वर्ज़न में हमने ना तो अंदर की साइड कोई लेवल सेंसर रखा हुआ है, ना ही हमने कोई GSM या वाईफाई वाला इंटरनेट से कनेक्टिविटी का कोई फीचर रखा है। एकदम सिंपल है, जो आप खुद से बना सकते हो। ये बनाने के लिए आपको मेन जो कंपोनेंट्स चाहिए उसमें शामिल हैं, एक तो ये डस्टबिन जो इस तरह से नॉर्मल आपकी बाज़ार में मिलती है, अच्छी क्वालिटी की एक पैडल ऑपरेटेड डस्टबिन चाहिए। फिर आपको चाहिए एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसके अंदर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर रखा हुआ है और प्रोटेक्शन के लिए ये 3D प्रिंटेड कवर दिया है। फिर आपको चाहिए एक मेटल गियर वाली सर्वो मोटर, ऐसी ब्लैक गियर मोटर चाहिए आपको जो कि सर्वो मोटर कहलाती है, MG995। फिर ये 3D प्रिंटेड पार्ट्स बनाए हुए हैं जो कि आपके लीवर को ओपन या क्लोज करेंगे, और उसके आगे हमने एक ये रोलर रखा हुआ है। नॉर्मल वाटर वाला हम लोग नहीं प्रेफर करते क्योंकि वो जो दूरी से कनेक्ट होता है फिर दूरी टूट जाती है और उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्वालिटी हम मेंटेन करके रखते हैं। आपको चाहिए तो ये सारे पार्ट्स हम आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं ऑर्डर के हिसाब से। फिर जो मेन दूसरी एक चीज़ चाहिए कि सर्किट, ये सर्किट आप देख सकते हो यहाँ पर, इस सर्किट में अंदर एक 8Mega328 है, यानी आर्डिनो ऊनो वाला प्रोग्राम इसमें लगेगा। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है, फिर एक फ़िल्टर कैपेसिटर है, आर्डिनो में इस्तेमाल होने वाला 16 MHz का क्रिस्टल है, 22 PF के दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, फिर ये एक 470 ओम्स का रजिस्टर है LED के लिए, 1K का रजिस्टर है जो कि ट्रांजिस्टर के बेस पे कनेक्ट होगा, जो NPN ट्रांजिस्टर है BC547 जो कि इस बजर को ड्राइव करेगा। यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव और सिग्नल सर्वो मोटर का कनेक्शन है। फिर ये 10 kΩ के दो रजिस्टर्स हैं जो पुलअप रजिस्टर के तौर पर अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कनेक्ट किए हैं। फिर यहाँ पर ये एक रीसेट का कैपेसिटर है, फिर यहाँ पर 100 ओम्स का एक और रजिस्टर है जो कि माइक्रो कंट्रोलर और सर्वो मोटर के सिग्नल पिन के बीच में लगा हुआ है। फिर यहाँ पर 10 μF का और एक कैपेसिटर है जो कि इस प्रीसेट के सेंटर पॉइंट और ग्राउंड के साथ टच है। इस प्रीसेट का सेंटर पॉइंट इस कैपेसिटर और एनालॉग इनपुट 5 के साथ कनेक्टेड है जो कि जो सर्वो मोटर है उसको कितना ओपन या कितना लेड ओपन करना है वो तय करेगा। इस प्रीसेट का दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है और तीसरा टर्मिनल पॉजिटिव है, यानी आप इसको जितना भी पॉजिटिव की तरफ घुमाते जाएंगे सर्वो मोटर का मूवमेंट उतना ज़्यादा मिलेगा। फिर यहाँ से ये दो जो केबल्स जा रहे हैं वो जाएंगे DC सॉकेट में। हमने डायरेक्ट कनेक्शन करने की बजाय यहाँ पर DC सॉकेट लगाया हुआ है ताकि आप इसको डिसकनेक्ट कर सको, और अगर ये एडेप्टर ख़राब हो जाता है तो फिलिप्स पिन वाला कोई भी एक एडेप्टर लेकर आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर हमने अंदर की साइड कोई भी कंपोनेंट्स नहीं फिट करे हैं सिवाय के मोटर। अभी चलिए फटाफट से इसका डेमो देख लेते हैं। इसको सप्लाई देने के लिए हमें 12V 1A का एक एडेप्टर चाहिए जो कि प्लग इन करते हैं हम, तो यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक होने लगती है। अगर ये लाइट ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम चालू है। अगर लाइट नहीं है और आपका ये सिस्टम नहीं चल रहा है तो फिर भी आपका ओरिजिनल जो पैडल ऑपरेटेड है वो तो आपका ओपन क्लोज होगा ही। यही एक डिफरेंस है इस प्रोजेक्ट में पिछले वाले प्रोजेक्ट के साथ में, कि वो सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो सिर्फ मोटर से ही ऑपरेट होते थे, कोई और मैकेनिकल अरेंजमेंट नहीं था। इस डस्टबिन के अंदर ये जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है वो तो काम करेगा ही करेगा, पर उसके साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट है हमने मोटर लगाई हुई है वो भी काम करेगी। और ये यहाँ पर इसके साथ फिक्स ना रह के एक रोलर दिया हुआ है जो घूमेगा तो ये जो लेड है उसके साथ घिसेगा भी नहीं और उसको डैमेज भी नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर जो लगाया हुआ है उसके सामने हाथ लगाते ही खुल जाएगा
जब तक डस्टबिन ओपन है ये बजर बजता रहेगा और ये धीरे से बंद होगा। आपने नॉर्मली देखा होगा कि सर्वो मोटर वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो एकदम जर्क के साथ ओपन होते हैं, जर्क के साथ मूवमेंट देते हैं, पर यहाँ पर हमने उसको एलिमिनेट किया है प्रोग्राम के अंदर। ये धीरे से ओपन होगा और यहाँ पर ये जो रोलर है वो इसके साथ घिसने से सिस्टम को बचाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट और मोटर 5 वोल्ट के ऊपर चलते हैं तो कोई ज़्यादा कंजम्पशन भी नहीं रहेगा। अगर ये आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो सारे कंपोनेंट्स आप हमसे रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हो। टाइम लेके आप हमें कॉल कीजिए, मोबाइल नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। और अगर आप चाहें तो ये हमारा एड्रेस है, इसमें भी आप फ़ोन नंबर देख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके आप देख लीजिए। आप जय गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं या फिर 123 प्रोजेक्ट्स के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। 9924547705 ये हमारा फ़ोन नंबर है, इसी के ऊपर आपको व्हाट्सअप भी मिलेगा। डस्टबिन के अलावा सारे कंपोनेंट्स आप हमसे मंगवा सकते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से सभी कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ये पीसीबी के साथ इसके अंदर प्रोग्राम भी आएगा, तो स्कूल के बच्चे हैं और अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो हमसे मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।